नमस्कार दोस्तों, हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप जगह पे जाके हमें एक BBS समझाइए वर्टिकल का, कॉलम वर्टिकल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर आए हैं और फाउंडेशन है हमारी और फाउंडेशन टॉप से हमारा जो चाल बार है यहाँ पर ऊपर वर्टिकल छोड़ा हुआ है और इसके आगे वाला वर्टिकल हमें कटिंग लाइन देना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जहाँ पे आप मतलब रेनफोर्समेंट है वहाँ से ऊपर जो हमारे जाने वाला जो भी पुराना स्टील है उसका RL हमें इम्पोर्टेंट चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ पर हमारा फाउंडेशन है और फाउंडेशन का RL है 92.717, ठीक है, ये हमारा RL है इसका टॉप। अभी हमारे इस टॉप से जितने की जैसे कि ये हमारा टॉप है और इससे हमारा सरिया कितना ऊपर गया है तो इसका मेजर पहले करना पड़ेगा। तो हमने कर चुके हैं, पहले हमने एक स्मॉल वाला जो S यानी स्मॉल और L मतलब लार्ज यानी बड़ा और S मतलब छोटा, तो हमारा जो स्टील है ये 3450 एक गया है छोटा वाला और 3850 हमारा बड़ा वाला गया हुआ है। तो अभी हमें आगे कैसे BBS देना होगा, इसका वर्टिकल जो है वो नेक्स्ट हमारा लैपिंग जोन में जाना चाहिए और नेक्स्ट वाला फ्लोर लेवल में, तो उसका प्रोसेस पूरा आपको इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिएगा जैसे कि हमारे पास सेक्शन भी अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ये सेक्शन है फाउंडेशन की तरह हमारा जो हमारा फाउंडेशन यहाँ है RW2 और 3 का यहाँ पर, तो पहले वो चेक करना है जैसे कि फॉर्म फाउंडेशन 2 पोडियम 2 हमारा ये वाला चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये पूरा डिटेल सेक्शन रहेगा और इसका जो हमारा वर्टिकल है वो यहाँ पर है। जैसे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आपको दिया गया है हर जगह पे फाउंडेशन मिड हाइट टू लोअर ग्राउंड मिड हाइट। अभी हमें क्या करना है, हमारा निकालना है ये पहला वाला वर्टिकल हो ही गया था, ठीक है, ये फर्स्ट होने के बाद में हमारा ऊपर वाला जोन में आ गया है जैसे कि LG मिड हाइट पे आ गया है। और हमारा क्या करना है LG मिड हाइट टू मतलब लोअर ग्राउंड मिड हाइट टू अपर ग्राउंड मिड हाइट, अभी यहाँ पर स्टिल हमें ये देखना होगा और उसी का हमें वर्टिकल साइज निकालना होगा। तो हमारा देखिएगा जैसे हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया है जैसे कि ये हमारा फाउंडेशन है, ये PCC है हमारा, ये फुटिंग टॉप है, फुटिंग टॉप का RL है 92.717, ठीक है, ये हमारा। और यहाँ पर उसके बाद में हमारा जो वर्टिकल है एक स्मॉल वाला और एक लार्ज वाला यानी बड़ा और ये छोटा है, और ये हमारा वर्टिकल हाइट है हमारा। तो ये वर्टिकल हाइट जो मापा है साइड पे हमने 3 मीटर 450 और एक का मापा है 3 मीटर 850। तो अभी हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फ्लोर लेवल ड्रॉ करनी होगी जिससे कि हमारा पहला स्लैब, तो पहला स्लैब हमारा यहाँ पर एक मार्किंग करते हैं जैसे टॉप लेवल और उसके बाद में दूसरा जो है उसका टॉप लेवल यहाँ पर मार्किंग करते हैं। ये यानी हमारा फर्स्ट स्लैब है और ये हमारा सेकेंड स्लैब है, ठीक है। अभी हमारा सबसे पहले हमें लैपिंग जोन इम्पोर्टेंट है, तो लैपिंग जोन क्या है हमारा H/4 में लैपिंग जोन आने वाला है। तो H/4 जो लैपिंग जोन है वो कैसा है यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अभी आपको RL यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपका यहाँ पर टॉप लेवल का RL पता था, उसके बाद यहाँ पर RL हमारा है 98.00 और उसका बाद है 102.500, ये हमारा RL है। तो RL हमें मालूम होने के बाद इसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो हमें इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो हमारा फ्लोर टू फ्लोर RL होने के बाद में हमें फ्लोर टू फ्लोर का 98 - 92.717, तो हमारा क्या है यहाँ से 5 मीटर 283 mm, ये हमारा 5 मीटर 283 mm का हाइट है, ठीक है, ये RL यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में ऊपर वाला RL हमें चेक करना है 102.5 - 98 यानी टोटल हमारा 4.5 मीटर, ये हमारा 4.5 मीटर हाइट है, ठीक है, ये हमारा पूरा
टोटल हाइट है। अब इस टोटल हाइट में हमें क्या करना होगा, जो कि क्लियर हाइट निकालना इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्लियर हाइट के लिए एक बीम आएगा, यहाँ पर भी ऊपर का बीम आएगा। अभी हमारा यहाँ तो लैपिंग जोन में ऑलरेडी गया हुआ है, अभी इम्पोर्टेंट होगा हमारा सिर्फ टॉप, यहाँ ऊपर वाला स्लैब का लैपिंग जोन में हमारा ये वर्टिकल जाना चाहिए। तो कितना जाना चाहिए वो यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जैसे एक क्लियर स्पैन है हमारा निकलना होगा, तो क्लियर स्पैन के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हाइट जो है हमारी वो लेनी होगी। ये यानी हाइट, ये जो क्लियर स्पैन है इसकी टोटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखिएगा, जैसे ये हमारा बीम है ये 600 का डेप्थ, और ये हमारा टोटल जो हाइट है ये 4.5 मीटर, यानी 4 मीटर 500। अभी 4 मीटर 500 माइनस ये बीम डेप्थ कितना है, 600 आपने पकड़ लिया, मान लीजिए 600, ये पेन नहीं सही दिख रहा, तो 600 हमारा बीम डेप्थ है, ठीक है, हम एग्जांपल के लिए 600 पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करने वाले, जो टोटल हाइट है उसमें हमारा बीम डेप्थ है वो माइनस करेंगे। जैसे 4.5 यानी 4 मीटर 500 माइनस 600 हमारा बचेगा 3 मीटर 900, हमारा जो क्लियर स्पैन है 3 मीटर 900, ठीक है। अभी क्लियर स्पैन में क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाय 4, क्योंकि एच बाय 4 का हमारा लैपिंग जोन है, ठीक है, तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 975। तो 975 हमारा जो है यहां से 975 ऊपर से जो नीचे है ये वाला पहला 975 और इन दोनों को, ये भी 975 975, देखिए 1 2 3 4, चार भाग हो गया 975 का। तो इस वाला में जोन, जो बीच वाले दोनों जोन है, इन दोनों जोन में हमारा लैपिंग कहां पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। और हमारा जो नीचे वाला है इसमें नहीं करना है, यहां पर आपका लैपिंग नहीं आना चाहिए और यहां पर आपका लैपिंग नहीं आनी चाहिए। आपकी लैपिंग सिर्फ कहीं पर आनी चाहिए, जो बीच वाला जो है एच बाय 4 का जो मिड में आएगा वही वाला दोनों पार्ट वाले में आएगा, ठीक है। आपको यहां पर क्लैरिटी हो गया। अभी उसके बाद में ये हमारा वर्टिकल है, ये हम यहां से पूरा यहां तक लेके जाने वाले है, और उसका भी दूसरा यहां। अभी हम क्या करने वाले है, बात सबसे पहले हम बात करेंगे, ये 975 है लैपिंग जोन, यहां पर 100 mm हम एक्स्ट्रा पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा लैपिंग जोन में अच्छा सा जाएगा और टेंशन नहीं। यानी 975 हमने ले लिया और प्लस एक्स्ट्रा में हम 100 mm ले लिया, क्योंकि हमारा एक कपलर लैपिंग है, ठीक है दोस्तों, हमारी कपलर लैपिंग है, यहां पर भी कपलर, यहां पर भी कपलर हमारा बैठने वाला है, ठीक है। तो ये कपलर हमारा 100 mm कम से कम तो लैपिंग जोन में एक्स्ट्रा रहना चाहिए, कोई सरिया कम छोटा ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए हम 100 mm एक्स्ट्रा रख रहे हैं, यानी 1075। तो इसमें प्लस क्या करने वाला है, जो कि यहाँ पर हाइट है 5 मीटर 283, ये फुटिंग टॉप से लेकर पहला स्लैब, तो 5 मीटर 283 तो बराबर आ रहा है हमारा 6 मीटर 358। तो अभी इसमें क्या करना है, आपका जो छोटा बार पहले देखना है, क्योंकि वो छोटा हमने यहाँ पर लिया था, तो उसकी हाइट कितनी है वो माइनस इसमें करनी है। जैसे माइनस करिएगा 3 मीटर 450, 3 मीटर 450, तो हमारा कितना आ रहा है 2908। यानी आप यहाँ पर 3 मीटर का वर्टिकल दे सकते हो, 100 mm और बढ़ा दीजिएगा और हमारा यहाँ पर 3 मीटर का वर्टिकल हो गया, क्योंकि हमारा ये लैपिंग जोन में चला गया। और सेकंड थर्ड जो है वही सेम 500 mm से ऊपर हाइट होने वाला था, तो हमारा यहाँ से ये कितना है 2975, 975 में माइनस 200 गया, यानी इससे 775 तक चला रहा, और इसी से हमारा माइनस 400 स्टैगर्ड है, तो हमारा स्टैगर्ड भी माइनस कर दिया, यानी यहां तक आने के लिए 375 था, कम पड़ गया। तो आप यहां पर 3 मीटर का वर्टिकल दे सकते मिनिमम 3 मीटर 3 मीटर दे सकते, और उसके बाद में आप 4 मीटर भी दे सकते कि नहीं, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करने का, जैसे कि आपका बड़ा जो स्टील है उसको आप चेक कीजिएगा 4 मीटर का जोन में बैठ रहा है कि नहीं। अभी जैसे यहाँ पर आप देखते टाइम देखिएगा इसका हाइट कितना है 5 मीटर 283 प्लस आपका पहला जोन, ये पहला जो जहां पर आप लैप नहीं करने वाले वो लीजिएगा 975 और उसके बाद में ये वाला लैपिंग जोन लीजिएगा जो पूरा जा रहा है 975 और भी आपका ऊपर वाला जो लैपिंग जोन है ये भी पकड़ेगा
975, तो 975 में क्या करेंगे, 875 यानी 100 mm कम पकड़ेंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो 100 mm नीचे करेंगे, तो 875 पकड़ा तो बराबर आया 8 मीटर 108। अभी इसमें क्या करेंगे, माइनस हमारा ये जो बड़े वाला जो स्टील है उसको हाइट माइनस करेंगे 3 मीटर 850, तो टोटल कितना आया 4 मीटर 258, यानी आप यहाँ पर 4 मीटर का भी वर्टिकल दे सकते हो, यानी दोनों भी आपका बार 4 मीटर या 3 मीटर जो आपके पास में स्टील अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आप दे सकते हो। मेरी राय ये है कि आप जितना ऊपर जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए डाया सेम है ऊपर, जैसे कि कंटिन्यू जाने वाला है वही स्टील, जैसे कि रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम में आप हायर जितना लंबा स्टील है वो आप लैप जोन में देख के रख सकते हो। लेकिन आपका जैसे कि यहाँ पर 40 है और ऊपर जाके 32 हो रहा है, तो उस टाइम में आपको 3 मीटर का कटिंग दे सकते हो, क्योंकि कारण उसका क्या है, जैसे आपको बड़ा वाला बिठाने के बाद आपका जो मिड टू मिड दिया था तो आपको बिलिंग में इतना ही मिड टू मिड मिलेगा, और आपका कंटिन्यू हो सकता है जैसे कि आपका नीचे में 40 है ऊपर भी 40 है और उसके ऊपर भी 40 है, तो आप यहाँ पर कोई भी स्टील ऊपर जाके कहीं पर भी लैपिंग करके रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यहाँ पर लैपिंग जोन निकाल के आपका बीबीएस साइट पे निकाल सकते हो। बीबीएस साइट पे निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट चाहिए, सिर्फ आपको लैपिंग जोन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लैपिंग जोन निकालना आना चाहिए। लैपिंग जोन क्या होता है, जैसे पूरा हाइट है उसमें सिर्फ बीम डेप माइनस करना है, उसको डिवाइड बाय क्लियर जो स्पैन होता है उसको डिवाइड बाय जो हमारा h/4 है या h/3 है, तो हमारा लैपिंग जोन h/4 में है, तो h/4 का यानी 4 भाग कर लेना है। 4 भाग करने के बाद जो बीम बॉटम से 1 भाग छोड़ देना है और स्लैब टॉप से 1 भाग छोड़ देना है, उसको बीच में जो 2 पार्ट है उस पार्ट में आप कहीं पर भी लैपिंग कर सकते हो, जो कि हमारा कपलर लैपिंग है। और थ्रेडिंग का जब मतलब ओवरलैप होता है तो ऐसे टाइम में क्या होता है, एक सेंटर तक बार लेके जाना होता है और सेंटर से ऊपर LD लेके जाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा आपको बीबीएस समझ में आया ही होगा। तो हम यहाँ पर अभी हमारा जो SW जो है इसका हमारा ये वाला था 40 का 28 पीस और 32 का 80 पीस, हम यही ऊपर देख रहे हैं, तो हम उसके ऊपर वाला भी लेवल में सेम है, उसके ऊपर भी सेम है, इसके ऊपर नहीं है, तो हमारा ये दोनों तो लेवल पहले ऊपर वाला देख लिया, इससे में इसके कारण हमने यहाँ पर हम अभी 4 मीटर का वर्टिकल देने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो बता दीजिएगा, कुछ इसमें आपको नया सीखना है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा, हम कमेंट में बताइए, हम और अगले बार अच्छा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। थैंक यू सो मच दोस्तों।